नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिल्म शहजादा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में शहजादा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों फिल्म पठान किस प्रकार से लगातार शहजादा को एक तरीके से टक्कर दे रही है अभी भी, और शहजादा को रोकने की कोशिश भी एक वही आरब की तरफ से है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, फिल्म सेल्फी की एडवांस बुकिंग कब शुरू हो सकती है, इसका बजट कितना है, और दोस्तों इसको कितने स्क्रीन मिल सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहजादा फिल्म की। तो दोस्तों, शहजादा फिल्म को पहले दिन मात्र 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली है। दूसरे दिन फिल्म को 6.65 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन पूरे भारतवर्ष से प्राप्त हुआ है। 3000 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज की गई है और केवल 10% की ग्रोथ सैटरडे को देखने को मिली। वही दोस्तों, अगर कल की बात करें, संडे की बात करें, तो कल फिल्म का कलेक्शन करीब 7.5 करोड़ रुपए के आसपास आया, 7.50 करोड़ रुपीज के आसपास कलेक्शन आया, 7.30 to 7.50 करोड़ रुपीज। तो इस प्रकार दोस्तों, 3 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 20 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, 20 करोड़ 15 लाख के करीब है। तो 20 करोड़ रुपए आप मानिए तो दोस्तों 85 करोड़ फिल्म का बजट है, और अगर फर्स्ट वीकेंड में केवल 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन आता है तो दोस्तों ये फिल्म के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। केवल 10-11% की जो ग्रोथ है वो दोस्तों सैटरडे और संडे को देखने को मिली है, तो ये बहुत कम है, और डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आज संडे है और आज संडे को जो फिल्म के कलेक्शन की रिपोर्ट आ रही है, जो डाटा जा रहे है, वो ज्यादा 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन आज ये फिल्म करने वाली है। मतलब शुक्रवार के मुकाबले करीब 50% का ड्रॉप आज फिल्म के कलेक्शन में आने वाला है। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन के लिए बड़ा झटका है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई है। अब कार्तिक आर्यन को सोचना होगा कि रीमेक मूवी करे या नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे अल्लू अर्जुन जैसी एक्टिंग की अपेक्षा उनसे थी जो वो नहीं कर पाए, और वैसी बेहतरीन फिल्म जो रोहित धवन है वो यहाँ पे नहीं बना पाए, तो शहजादा फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल होना तय है। दोस्तों, ये किसका कारण पठान भी हो सकता है। पहले तो इन्होंने 7 दिनों तक फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी, जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर 17 तारीख को आंटवेन से इसका क्लेश हुआ। पठान में वाई आर एफ ने भी काफी दिमाग लगाया यहाँ पे, और उन्होंने क्या किया दोस्तों कि 100 रुपए में फिल्म दिखाना शुरू कर दिया, फिर 110 प्राइस कर दी, फिर 200 रुपए प्राइस की शनिवार सैटरडे के लिए, और अब इस वीकडेज में आप पठान फिल्म को फिर से 110 रुपए में देख सकते हैं। तो एक तरीके से हर तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई, किसी भी तरह से पठान के कलेक्शन कम नहीं हो पाए और पठान फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए, जो कि 1-2 दिनों में वो हो जाएगी हिंदी नेट कलेक्शन के आधार पे भी। वैसे सभी भाषाओं को मिला करके तो वो हो ही चुकी है ऑलरेडी 500 करोड़ के क्लब में शामिल। हालांकि तमिल और तेलुगु में फिल्म का कलेक्शन बहुत कम आया, करीब 18-19 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन आया तमिल और तेलुगु में, मतलब वहां तो फिल्म एक तरीके से फ्लॉप ही कही जा सकती है। और दोस्तों, जहां तक बात करें सेल्फी की, तो सेल्फी फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है, आज सोमवार हो चुका है लेकिन अभी तक फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की गई है। प्रमोशन जोरों शोरों से जारी है, म्यूजिक हिट हो चुका है, ट्रेलर पसंद किया गया है, लेकिन दोस्तों 75 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म, और काफी ज्यादा उम्मीदें इस फिल्म से है। राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, अक्षय कुमार इमरान हाशमी है, ये भी अगली मेक है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो एडवांस बुकिंग अभी तक क्यों शुरू नहीं की गई, तो इसके पीछे यही कारण नजर आता है कि मेकर्स इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि अगर एडवांस बुकिंग शुरू की और एडवांस बुकिंग अगर शहजादा की तरह की प्राप्त हुई तो फिर फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया जाएगा, पहले ही फिल्म की हवा निकल जाएगी और फिल्म देखने कोई जाएगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की गई है। मुझे लगता है कि एडवांस बुकिंग कल या परसों शुरू की जाएगी, बुधवार तक शुरू की जाएगी, ताकि थोड़ी अच्छी एडवांस बुकिंग का फिगर आ सके और फिल्म की हाइप बने। और दोस्तों, अब अक्षय कुमार के पर्सन्स को भी डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट अक्षय कुमार को करते हैं, क्योंकि 2022 तो उनके लिए बहुत ही बेकार रहा, आप जानते ही है। और दोस्तों, जहां तक बात करें पठान फिल्म की, तो पठान फिल्म को तो 1000 करोड़ तक पहुंचा ही देंगे, लगभग 900 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन बता रहे हैं, तो अब 1000 करोड़ भी 1-2 दिनों में आपको सुनने को मिलने वाला है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। तो दोस्तों, ये थी तीनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, आशा आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।